सो हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है। तो जो भी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, उनके पास चांस है पूरे एक महीने का अनलिमिटेड फ्री रिचार्ज जीतने का। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है, यानी कि गिव अवे पार्टिसिपेशन रूल्स। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो गाइस, मैं इस चैनल पर रेगुलरली एपीएन सेटिंग्स से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। सो उन वीडियोस को मिस नहीं करने के लिए इस वीडियो को अभी से एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको वोडाफोन का वन ऑफ द लेटेस्ट एंड बेस्ट एपीएन सेटिंग्स बताने वाला हूँ, जिसको आपके फोन पर अप्लाई करने के बाद में आपकी इंटरनेट स्पीड पहले से पक्का फास्ट हो जाएगी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और ऑनलाइन गेम वगैरह खेलते वक्त आपको हाई पिंग का प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, और यूट्यूब फेसबुक वगैरह यूज करते वक्त आपका बफरिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और सारे स्टेप्स को एकदम ध्यान से अप्लाई करना। तो फ्रेंड्स, APN सेटिंग्स करने के लिए हम मोबाइल सेटिंग्स में चले जाएंगे, फिर सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स के ऑप्शन में जाकर हमारा वोडाफोन का सिम कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, फिर एक्सेस पॉइंट नेम्स बताने से पहले कुछ स्टेप्स फॉलो कर लेना। स्टेप नंबर 1, अपने वोडाफोन वाले सिम कार्ड को स्लॉट 1 में ही रखना हमेशा। स्टेप नंबर 2 इम्पॉर्टेंट है, फोर्स LTE ओनली ऐप को डाउनलोड करके LTE ओनली का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। इसका वीडियो ट्यूटोरियल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आई बटन या एंड कार्ड में भी है, छोटा सा है, इस वीडियो के बाद में ज़रूर से फॉलो कर लेना। फिर अपने फ़ोन के हिसाब से एक्सेस पॉइंट नेम्स का ऑप्शन ढूंढकर ओपन कर लो, फिर आप पहले जो भी इंटरनेट APN यूज़ कर रहे थे वो सिलेक्टेड मिलेगा। सबसे पहला और मेन स्टेप है रीसेट एक्सेस पॉइंट्स, या फिर रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करना, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से कर लेना। और उसके बाद में आपका डिफ़ॉल्ट APN सेटिंग सेलेक्टेड देखने को मिलेगा, तो उसको टैप कर ओपन कर लो। फिर आपको कुछ ऐसा फॉर्म देखने को मिलेगा, तो अब मैं आपको जो वैल्यूज़ बताता हूँ उसको ऐसे ही सेम टू सेम फिलअप कर लेना। ध्यान से नेम के अंदर जो भी लिखा हो उसको हटा कर आपको लिख लेना है वोडाफोन AI इंटरनेट। वोडाफोन का V कैपिटल, AI का A कैपिटल, और इंटरनेट का I कैपिटल। सो नेम के अंदर VODAFONE वोडाफोन AI INTERNET इंटरनेट, यानी कि नेम के अंदर वोडाफोन AI इंटरनेट लिख लेना है, और ओके कर लो। फिर APN के अंदर फ्रेंड्स आपने जो भी लिखा हो उसको हटाकर आपको लिख लेना है पोर्टल एंड MMS, यानी कि PORTAL पोर्टल एंड MMS, सब कुछ स्मॉल में और एक साथ। सो APN के अंदर आपको लिख लेना है पोर्टल एंड MMS, और ओके कर लो। फिर प्रॉक्सी को नॉट सेट, नॉट सेट से मेरा मतलब है कुछ भी मत लिखो, ओके कर लो, तो ये ऑटोमेटिक नॉट सेट हो जाता है। फिर पोर्ट को भी नॉट सेट रखो। यूजर नेम के अंदर फ्रेंड्स आपको जाकर लिख लेना है speedbot.vodafone.ai, स्पीड का S कैपिटल, बॉट का B कैपिटल, वोडाफोन का V कैपिटल, और AI का A कैपिटल, यानी कि यूजर नेम में speedbot.vodafone.ai, ओके, यूजर नेम के अंदर speedbot.vodafone.ai लिख लेना है। फ्रेंड्स ये वैल्यूज में कैपिटल स्मॉल इंपॉर्टेंट होता है, तो आप वो भूल ना जाओ, इसलिए इन वैल्यूज़ को मैंने मेरे वेबसाइट आर्टिकल पे लिखा है। तो आपको मेरे वेबसाइट आर्टिकल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उधर से कॉपी पेस्ट करके ये वैल्यूज़ अप्लाई कर लेना। लेकिन वीडियो पूरा देखना, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ आपको वीडियो में ही मिलेंगी, और गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है वो भी मैंने वीडियो के एंड में ही बताया है। सो वीडियो पूरा देख लेना। पासवर्ड को नॉट सेट रखो, और सर्वर के अंदर फ्रेंड्स आपको जाकर लिख लेना है www.myvi.in, आपको सर्वर में लिख लेना है www.myvi.in, ओके, यानी कि सर्वर में www.myvi.in लिख लेना, और ओके कर लो। फिर MMSC को नॉट सेट रहने दो, MMS प्रॉक्सी और MMS पोर्ट को भी नॉट सेट छोड़ दो, MCC और MNC आपके एरिया वाइज अलग वैल्यूज होती है, जो है वही रखना। बाई चांस ये वैल्यूज अगर आप में एम्प्टी है तो APN को रिसेट कर लेना, ताकि ये वैल्यूज ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी, लेकिन जो है वही रखना, कोई भी चेंज मत करना, क्योंकि एरिया वाइज अलग होती है।
ऑथेंटिकेशन टाइप में फोर्थ ऑप्शन पीएफपी पैप और सीएचएफपी चैप सेलेक्ट कर लो। एपीएन टाइप के अंदर जो भी लिखा हो उसको हटाकर आपको लिख लेना है सिर्फ और सिर्फ DEFAULT डिफॉल्ट। सो एपीएन टाइप के अंदर लिख लेना है डिफॉल्ट और ओके कर लो। फिर एपीएन प्रोटोकॉल के अंदर थर्ड ऑप्शन IPv4/IPv6 सेलेक्ट कर लो। एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल में भी थर्ड ऑप्शन IPv4/IPv6 सेलेक्ट कर लो। और BRR के अंदर फ्रेंड्स आप में जो भी सिलेक्टेड है उसको हटाकर LTE को सिलेक्ट कर लेना है। बहुत सारे ऑप्शन है तो भी, और सिर्फ तीन ऑप्शन है तो भी, बहुत सारे लोगों में LTE को सिलेक्ट करने के बाद APN सेव नहीं होता या फिर APN अनअवेलेबल बताता है। सिर्फ वो लोग अनस्पेसिफाइड को सिलेक्ट करके APN को सेव करना, बाकी सब लोग LTE को सिलेक्ट करो और ओके कर लो। फिर MVNO टाइप को नन रख कर APN को सेव कर लेना। फिर आपका इंटरनेट चला जाएगा और फिर से आ जाएगा। फिर आपको इंश्योर करना है कि आपका APN का सिलेक्शन हमने जो भी क्रिएट किया वो वाले पे ही है या नहीं। आप अपने APN को फ़ोन से अच्छे से अटैच करने के लिए अपने फ़ोन को रिस्टार्ट कर सकते हैं या फिर एयरप्लेन मोड ऑन करके 5 सेकंड रुककर ऑफ कर सकते हैं। इससे आपका APN फ़ोन से अच्छे से अटैच हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको फ्री रिचार्ज गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए बस 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1, आपको इस वीडियो को एक लाइक कर देना है, एक अच्छा सा कमेंट कर देना है और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना है। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे जरूर से सेट कर लेना। स्टेप नंबर 2, सो फ्रेंड्स मैंने कुछ नए चैनल्स बनाए हैं जिनकी लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको जिन चैनल में भी इंटरेस्ट है सिर्फ उसी चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना। जैसे कि डक्शल YT नाम के चैनल पर मैं YouTube ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में बताऊंगा। फिर डक्शल एनिमे ट्यूबर, उस पर मैं एनिमे एंड वेबटून्स के बारे में बात करूंगा। डक्शल व्लॉग्स, उस पर मैं व्लॉगिंग करने वाला हूं। डक्शल गेमिंग पर मैं गेमिंग वीडियोस डालूंगा। फिर डक्शल रोस्टिंग पर मैं कॉमेडी और रोस्टिंग वीडियोस बनाऊंगा। फिर डक्शल शॉर्ट्स पर मैं शॉर्ट्स वीडियोस डालूंगा टेक के। इसी तरह से डक्शल 2.0, उस पर मैं बिहाइंड द सीन्स या फिर मेरा बैकअप चैनल है वो, मतलब नए चैनल्स बनाए हैं। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है सिर्फ उसी चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना था स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3, ये लास्ट एंड फाइनल स्टेप है गाइस। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम ID की लिंक मिल जाएगी। आपको उस लिंक को विजिट करना है। फिर आपको मेरी नई इंस्टाग्राम ID dakshal.vati देखने को मिलेगी। इस वाली ID पर मैं टेक रील वीडियोस डालूंगा जिसमें मैं आपको अंडर 1 मिनट टेक ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जो आपके डेली लाइफ में काफी यूजफुल होंगी। तो आपको मेरी इस इंस्टाग्राम ID को जरूर से फॉलो कर लेना है। नोटिफिकेशन में जाकर पोस्ट, स्टोरीज, वीडियोस, रील्स और सबकी नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है। सबसे मेन है मुझे फॉलो कर लेना। फिर रील्स वाले सेक्शन में जाकर आपको मेरी सबसे पहली अपलोड की हुई रील देखने को मिलेगी, फिक्स स्लो इंटरनेट 3 स्टेप्स ओनली। इसमें मैंने आपको फोर्स LTE ऐप का ट्यूटोरियल भी बता दिया है। और हाँ, इस रील को मैं मेरे होम पेज पर भी पिन कर दूंगा। तो आपको इस वाले रील को जाकर सबसे पहले लाइक कर लेना है, सेव कर लेना है, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है और सबसे मेन कमेंट कर देना है। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप कोई भी एक कमेंट कर देना। मैं रैंडम कमेंट पिकर से रैंडमली किसी को भी विनर पिक करूंगा। सो कमेंट जरूर से करना। फ्रेंड्स मान लो आप विनर पिक भी हो गए, लेकिन अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते होंगे तो आप विनर डिक्लेयर नहीं किए जाओगे। इसलिए कमेंट कर देना और मुझे सबसे मेन है फॉलो कर लेना और एक्टिव रहना, यानी कि मेरी स्टोरीज वगैरह भी देखते रहना ताकि जब भी गिव अवे का रिजल्ट निकले आपको पता चल जाए। मैं गिव अवे का रिजल्ट इंस्टाग्राम पर सबसे पहले बताऊंगा, बाद में यूट्यूब पर वीडियो वगैरह बनाऊंगा। तो मुझे एक्टिवली फॉलो कर लेना और कमेंट कर देना। ये था स्टेप नंबर 3। सो फ्रेंड्स आप सभी स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लेना। स्टेप 1, 2, 3 अगर किसी में भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके यानी कि रिवाइंड करके देख लेना। मैं गिव अवे का रिजल्ट इस महीने की लास्ट डेट को निकालूंगा। सो आप तब तक सारे स्टेप्स को फॉलो करके पार्टिसिपेट जरूर से कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।